തണുപ്പുണ്ട് ഇവിടെ സമല്ല കണ്ട കേരള ടു മക്കാ ശിഹാബ് ചോറ്റൂർ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചതാ ഈ സ്ഥലം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിക്കണോ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം ഇറാനിലാണ് आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर आप अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को ऑन पे प्रेस कर दे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। मोहतरम साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं जैसे भी होंगे ठीक होंगे और अल्लाह सुबहानहु ताला आपको ऐसे ही खुश रखे, शादो आबाद रखे, दीन और दुनिया की दौलत से मालोमाल रखे। और अल्लाह अज़्ज़ व जल आज जुमे के सदके तुफ़ैल में, जुमे की नमाज के सदके तुफ़ैल में अल्लाह तमामी जायज़ तमन्नाओं को आपकी पूरा करे, आमीन या रब्बल आलमीन। और अल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी उम्र में, रिस्क में, मकानों में, दुकानों में बेपनाह बरकतों का, रहमतों का नुज़ुल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तो आज शिहाब भाई की बात करेंगे। शिहाब भाई, आपको पता है कि केरला और मल्लापुरम से निकले हुए जो मक्का शरीफ पैदल हज के लिए निकले हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है मेरे साथियों, मेरे अजीज़ों, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है वो। जो शिहाब भाई का अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक के इतने पूरी दुनिया में बोलबाला है अल्हम्दुलिल्लाह, और जो थंबनेल पर देखकर आपने समझ गए होंगे कि शिहाब चतुर ने क्या बताया है। जी हाँ अजीज़ो, शिहाब भाई ने जो बताया है वो थंबनेल पर ही मैंने रख दिया हूँ, जो थंबनेल पर आपने देख चुका होगा क्या केरला टू मक्का शिहाब चतुर लिखा हुआ है। तो वो मंज़र कहाँ का है मैं आपको बता दूँ मेरे अजीज़ो, वो मंज़र ईरान से पूरा सफ़र मुकम्मल करने के बाद इराक बॉर्डर पे जब शिहाब भाई पहुँचे और वहाँ पर जो गाड़ियाँ की आवाजावी का जो रास्ता है वो स्क्रीन के ऊपर मैं आपको बताऊँगा, आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर कि वो जो रास्ता है वो रास्ते में से एक जिसको बोलते हैं एक टर्नल होता है, टर्नल के अंदर शिहाब भाई के दीवार के ऊपर केरला टू मक्का शिहाब चतुर लिखा हुआ है। तो हजरात, कहने का मतलब ये है कि शिहाब भाई को तारुफ के मोहताज नहीं है, हर देश के अंदर शिहाब भाई को पहचानते हैं लोग, अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं लोग। जी हजरात, और हो भी क्यों ना, किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जब तक बिका ना था तो कोई पूछता ना था, जब तक बिका ना था तो कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। तो जी हाँ हजरात, तो ऐसा ही मामला कुछ शिहाब भाई के साथ में है अल्हम्दुलिल्लाह। हर कंट्री से गुजरते हुए जब शिहाब भाई निकल रहे हैं, चल रहे हैं, तो हर कंट्री में शिहाब भाई के चाहने वाले, उनको मानने वाले, उनको देखने वाले उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उनके साथ में कुछ देर सफ़र कर रहे हैं। जो ईरान का मंजर भी आपने देखा है, क्या कभी कभार शिहाब भाई रेस्टोरेंट में और होटल के अंदर रुके हैं, ज़्यादातर शिहाब भाई वहाँ पर ईरानी भाइयों के घर पर, मकानों पर ही रेस्ट किया है और वहाँ से फिर अपना सफ़र का आगाज़ किया है। तो जब भी शिहाब भाई ने अभी फ़िलहाल ही में जो 15 शाबान का जो मैंने मंज़र आपको बताया था कि शिहाब भाई ने रोज़ा रखकर जो सफ़र किया था, तो ईरानी भाई उनके साथ में चल रहे थे गाड़ी के साथ, और उसके साथ में इफ्तार भी साथ में किए शिहाब भाई के, वो भी आपको मैंने बता चुका हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह शिहाब भाई का ईरान का सफ़र पूरा मुकम्मल हो चुका है और अब शिहाब भाई इराक बॉर्डर पर पहुँच चुके हैं। मेरे अजीज़ो, बेहद ज़रूरी है, दुआ की ज़रूरत है शिहाब भाई को। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि शिहाब भाई के लिए दुआ कीजिए कि आप जैसा ईरान का सफ़र भी शिहाब भाई का गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह खैर वाफियत से, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ अगर रही तो इराक का सफ़र भी शिहाब भाई का आसानी से कट जाएगा, और फिर इराक से फिर शिहाब भाई कुवैत के अंदर इंटर होंगे, तो वहाँ भी शिहाब भाई को आपकी मक्का शरीफ पहुँचे तक शिहाब भाई को दुआ की बहुत ज़रूरत है मेरे अजीज़ों। शिहाब भाई तन्हा सफ़र कर रहे हैं, अकेले ही सफ़र कर रहे हैं, जो वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि शिहाब भाई सफ़र जारी वो सारी है और शिहाब भाई पूरा मंजर बता रहे हैं। आज बहुत खुशी की अपडेट आपको दे रहा हूँ कि शिहाब भाई लाइव आए हैं आज और उनके ऑफिशियल चैनल पे, और ये बताया है कि मैं इराक बॉर्डर पे पहुँच चुका हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह सभी का शुक्रिया अदा किया है, ईरानी भाइयों का, इंडियन, पाकिस्तानी, सभी लोगों का जो उनके चाहने वाले उनके हक में दुआ कर रहे हैं, तो उनका अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया अदा किया है शिहाब भाई ने। और शिहाब भाई, मैंने आपको जो सुबह वीडियो डाला हूँ उसमें बताया हूँ कि शिहाब भाई चंद घंटों में इराक बॉर्डर से होते हुए इराक के अंदर इंटर हो जाएंगे इंशाल्लाह, मैंने ये बताया था आपको। और अल्हम्दुलिल्लाह कमोबेश 1 बजे नमाज से पहले पहले शिहाब भाई का वीडियो आ चुका है, लेकिन मैं वीडियो बनाने में लेट इसलिए हो गया हूँ कि नमाज जुमा के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसको एडिटिंग करना और आप तक पहुँचाने के लिए मुझे टाइम लग रहा है,
तो मैं आपको इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि श्याप भाई अभी लाइव आए थे और लाइव आकर इराक के बॉर्डर से श्याप भाई ने बताया है सारा मंजर, वहां का व्यू बताया है, और श्याप भाई अब इंशाल्लाह इराक के अंदर इंटर हो जाएंगे। जी हाँ हजरात, तो ये आपकी दुआओं का सिला है अल्हम्दुलिल्लाह, जो श्याप भाई के लिए दुआ की आपने, और अब अल्हम्दुलिल्लाह और श्याप भाई के लिए दुआ कीजिए कि श्याप भाई का सफर ऐसे ही जारी सारी रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह श्याप भाई का सफर खैर आफियत से गुजरे, और श्याप भाई मक्का शरीफ खैर आफियत से पहुंच जाए, और 2023 के हज के अंदर शामिल होकर श्याप भाई हज का फरीजा अंजाम दे। जी हाँ हजरात, तो ये बहुत बड़ी वीडियो है, ज्यादा बड़ी वीडियो हो जा रही है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखना, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना। अभी तक आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन पे प्रेस कर दीजिए। आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सही और सच्ची खबर ही आपको एच के रजा ऑफिशियल से मिल रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह मिलती रहेंगी इंशाअल्लाह। और श्याप भाई जब हज का फरीजा अंजाम करके, हज के फरीजे से पूरा होकर जब वापसी केरला मल्लापुरम पहुंचेंगे, तो इंशाअल्लाह खुसूसी मुलाकात, जी हाँ हजरात, खुसूसी मुलाकात मेरे अजीजों मैं श्याप भाई से करूंगा इंशाअल्लाह, और वो भी सारी बातें इंशाअल्लाह, सारा इंटरव्यू लेकर श्याप भाई को हर कंट्री की हिस्ट्री मेरे इस चैनल से इंशाल्लाह आपको मिलेंगी। मेरे प्यारे अजीजों, तो जुड़ जाइए चैनल से, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट अच्छा सा जरूर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनों का बहुत ख्याल रखिए, और अल्लाह को हमेशा अपने दिल में बसाए रखिए, और दुआ में उम्मत मुस्लिमा को याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।